हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डियर डीपी सर लर्न विद फन में। हमारे इस चैनल पर हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों को सरलतम रूप से समझाने का प्रयास करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स से संबंधित मुद्दों को पढ़ने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संघाई सहयोग संगठन, अभी हाल ही में ये चर्चा में रहा। 19वें सम्मेलन में भाग लेने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संघाई सहयोग संगठन का जो सम्मेलन था उसमें भाग लिया। इसका आयोजन 13-14 जून 2019 को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में किया गया था, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भाग लिया, इस कारण ये चर्चा में रहा। तो आइए शुरुआत करते हैं। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब किस प्रकार हुई थी? यह संघाई सहयोग संगठन एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य यूरेशियन क्षेत्र में शांति, सुरक्षा व स्थिरता को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना 1996 में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान की साइट के द्वारा संघाई 5 नाम से इसकी स्थापना की गई थी 1996 में। और 2001 में उज्बेकिस्तान के संगठन में प्रवेश करने के बाद जो संघाई 5 था वो संघाई सहयोग संगठन के नाम से जाना जाने लगा। तो स्थापना 1996 में संघाई 5 के नाम से की गई थी और 2001 में उज्बेकिस्तान के इस संगठन में संघाई 5 में प्रवेश करने के बाद संघाई 5 को संघाई सहयोग संगठन के नाम से जाना गया। और 2017 में भारत और पाकिस्तान को भी संघाई सहयोग संगठन का सदस्य बना लिया गया। इस प्रकार अभी वर्तमान में जो संघाई सहयोग संगठन के 8 सदस्य देश हैं, जिनमें कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, वर्तमान में जो संघाई सहयोग संगठन है इसके 8 सदस्य देश हैं। और ध्यान रहे, संघाई सहयोग संगठन की जो आधिकारिक भाषाएं हैं वो रूसी और चीनी है। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बन सकता है, विशेष ध्यान रखिए। अब चर्चा करते हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने दूसरे कार्यकाल के विदेशी दौरों की शुरुआत मालदीव से की गई थी। और नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी हाल ही में जो विदेश नीति अपनाई जा रही है वो पड़ोस पहले और सागर सिद्धांत पर आधारित है। और नरेंद्र मोदी द्वारा अपने पहले विदेशी दौरों की शुरुआत मालदीव से की गई और मालदीव ने नरेंद्र मोदी को अपना सबसे बड़ा सम्मान निशान इजुद्दीन के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति रिमोट के जरिए तटीय निगरानी तंत्र और मालदीव की सेना के लिए एकीकृत प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ भी किया। और इसके साथ ही भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा भारतीय खिलाड़ियों के हस्ताक्षर वाला बल्ला मालदीव के राष्ट्रपति को भेंट किया गया। अब बात करते हैं मालदीव की। तो मालदीव के जो राष्ट्रपति है उनका नाम इब्राहिम मोहम्मद सोहिल है और मालदीव की राजधानी माले है और मालदीव की जो संसद है उसे पीपुल्स मजलिस के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री के द्वारा मालदीव की संसद पीपुल्स मजलिस को भी संबोधित किया गया। इस कारण ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि मालदीव की संसद का नाम क्या है। मालदीव की संसद को पीपुल्स मजलिस के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आपको चित्र दिख रहा है, ये जो चित्र है हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ ये इब्राहिम मोहम्मद सोहिल हैं जो कि मालदीव के राष्ट्रपति है। तो इसके बाद प्रधानमंत्री जी ने मालदीव के दौरे के बाद श्रीलंका का दौरा किया, जो हाल ही में अपने देश में हुए आतंकवादी हमले के कारण चर्चा में रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलंबो स्थित सेंट एंथनी चर्च का दौरा किया, जहां पर ईस्टर के मौके पर आतंकवादी हमले हुए थे जिसमें मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई थी, अभी इनके द्वारा दी गई। गौरतलब है कि श्रीलंका में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में देशी और विदेशी नागरिक मारे गए थे, जिसके कारण ये चर्चा का विषय बना हुआ था। तो ये ध्यान रखे कि सेंट एंथनी चर्च कहाँ पर स्थित है, तो ये श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में है और जहाँ पर सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे जिसमें देशी और विदेशी नागरिक मारे गए। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना है और श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। जैसा कि आपको चित्र दिख रहा है, ये श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना है और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपने विदेशी दौरों की शुरुआत सबसे पहले किस देश से की, तो मालदीव से की, और मालदीव के बाद वो अपने दूसरे दौर
दूसरे दौरे पर श्रीलंका पहुंचे। अब बात करते हैं अभी हाल ही में चर्चा में रहा इसरो, क्योंकि इसरो के द्वारा चंद्रयान 2 मिशन इसी साल जुलाई में प्रक्षेपित किया जाएगा। चंद्रयान 2 रॉकेट GSLV मार्क 3 रॉकेट की सहायता से पृथ्वी की कक्षा से बाहर छोड़ा जाएगा, जिसके कारण अभी इसरो हाल ही में चर्चा में रहा। स्पेस, इसके साथ साथ इसरो की महत्वपूर्ण योजनाएं भी है। स्पेस स्टेशन 2030 तक अंतरिक्ष में विकसित किए जाने की भी इसरो की योजना है। इसके साथ ही शोर मिशन 2020, जिसे आदित्य L1 के नाम से भी जाना जाएगा, ये भी इस पर भी इसरो के द्वारा कार्य किया जा रहा है। और इसके साथ ही पहला मानव मिशन 2022 तक, जब भारत आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, तब तक अंतरिक्ष में भेजने की संभावना है। इस कारण ये जो इसरो की योजनाएं हैं अभी हाल ही में चर्चा में रही, इसकी जानकारी इसरो के द्वारा देश के लोगों को दी गई, इस कारण ये चर्चा में रहा। अब बात करते हैं इसरो की, तो इसरो के अध्यक्ष K.Sivan हैं। इसरो को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, और हिंदी में बात करें तो इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नाम से भी जानते हैं। इसका मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में है। इसकी स्थापना की बात करें तो अगस्त 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के प्रयासों से इसकी स्थापना की गई थी। भारत का पहला जो उपग्रह है आर्यभट्ट अप्रैल 1975 में सोवियत संघ की सहायता से अंतरिक्ष में छोड़ा गया। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है, तो उसका नाम आर्यभट्ट है, जो अप्रैल 1975 में सोवियत संघ की सहायता से अंतरिक्ष में छोड़ा गया। याद रखें जो आर्यभट्ट है भारत के गणितज्ञ है, ये गुप्त काल में भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, जिनके नाम पर देश के पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। इसके साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे भी चर्चा में रहे। चक्रवात वायु, ये भी चर्चा में रहा, जिससे कि गुजरात और उसका तटवर्ती क्षेत्र प्रभावित रहा। ये गिर सोमनाथ जूनागढ़ पोरबंदर देवभूमि द्वारिका जिले तथा केंद्र शासित प्रदेश दीव को इसे प्रभावित रहा, इस कारण ये भी चर्चा में रहा। तो इससे भी संबंधित प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं कि कौन सा चक्रवात अभी हाल ही में चर्चा में रहा, तो वो चक्रवात है वायु। इसके साथ ही अभी पश्चिम बंगाल, हमारे देश का ये राज्य है पश्चिम बंगाल, जैसा कि आप मानचित्र में देख रहे हैं रेड कलर का, ये चर्चा में है पश्चिम बंगाल। यहाँ पर राजनीतिक हिंसाओं के कारण, जो भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच राजनीतिक हिंसा के कारण ये राज्य चर्चा में है। इसकी राजधानी कोलकाता है। यहाँ के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम ममता बनर्जी है। तो आज के हमने इन विषयों पर चर्चा की जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और अपडेट के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।